हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई मेंस और एडवांस के लिए कौन सी बुक लें जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके। आप जान लें कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप भी विदाउट कोचिंग जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स से। तो अगर आपके पास अभी टाइम है यानी एग्ज़ाम के लिए 8 से 9 महीने हैं तो आप H.C. वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ले सकते हैं। ये बुक इतनी शानदार है जो कि आप फिजिक्स में इसे पढ़कर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर बात है कि किस तरह से आप इसे पढ़ते हो। अब बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी यही बुक है जिसका हिंदी वर्जन है बहुत की समझ। ये बुक आप जब पढ़ सकते हैं जब आपके पास यानी एग्ज़ाम के लिए टाइम हो। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ले सकते हैं जेई मेंस इन 40 डेज। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है जेई मेंस वाले बच्चों के लिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, आप उसे बाय कर सकते हैं जो आपको कहीं भी बुक सेलर की शॉप से मिल जाएगी। और अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते तो आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। H.C. वर्मा और जेई मेंस इन 40 डेज, इन दोनों बुकों में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। बेशक आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक लो, पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक ज़रूर लेनी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। और ये बुक भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो बस इतने में आपकी तैयारी फिजिक्स में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप जेई मेंस इन 40 डे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप H.C. वर्मा भी की बुक भी ले सकते हैं। इन सभी बुकों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं जो कि अमेजोन पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।